जैन समाजाविरोधात तथ्यहीन वक्तव्य करणाऱ्या अनुप मंडलवर व अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी सकल जैन समाज अक्कलकुवा तालुक्यातर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या संदर्भाचं निवेदन पाठविण्यात आलंय. सदर निवेदन तहसीलदारांमार्फत पाठविण्यात आलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की मागील अनेक वर्षापासून सातत्याने तथ्यहीन वक्तव्य करणाऱ्या अनुप मंडल व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. कारण अनुप मंडल हे जैन समाज विरोधी संघटना आहे. राजस्थान राज्यातील सिरोही येथे त्यांचे मुख्य कार्यालय असून मागील अनेक वर्षांपासून अनुप मंडलचे सदस्य हे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश येथील ग्रामीण भागातील असुशिक्षित गरीब लोकांना एकत्र करून त्यांच्या मनात जैन धर्माच्या व साधू संतांच्या विरोधात द्वेष निर्माण करत आहेत. यामुळे जैन समाज बांधवांच्या भावनांना तडा पोहोचून विरोध केला जात आहे. न्यायालयाने देखील त्यावर प्रतिबंध घातला आहे. तरीही ते एक जनहितकारणी नावाच्या पुस्तकाच्या माध्यमातून व त्यांच्या प्रति वाटप करून समाजात तेढ निर्माण करत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संदर्भाची तात्काळ दखल घेऊन जैन समाजास न्याय द्यावा अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदन देतेवेळी अक्कलकुवा श्री मूर्तीपूजक जैन संघाचे अध्यक्ष प्रेमचंद जैन, स्थानकवासी जैन संघ अध्यक्ष भिकमचंद जैन, खापर जैन, श्रीसंघ अध्यक्ष सुरेशचंद जैन, ज्येष्ठ पदाधिकारी मोहनलाल जैन, जीवनलाल भंसाली, प्रकाशचंद जैन आदी जैन समाज बांधव उपस्थित होते. नमस्कार. आज सकल जैन समाज अक्कलकुवा तालुका की ओर से देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, इनको माननीय तहसीलदार अक्कलकुवा, इनके मार्फत एक निवेदन हम लोग दे रहे हैं. यह निवेदन देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अनूप मंडल, जो कि राजस्थान के सिरोही में एक संगठन है, जो संगठन राजस्थान के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण इलाकों में जाकर जैन समाज के विरोध में, जैन धर्म के विरोध में, साथ ही जैन साधु साध्वी भगवंत हो, जैन तीर्थ हो, उनके ऊपर अतिक्रमण का विषय हो, ऐसे अनेक दुष्प्रचार यह अनुप मंडल पूरे देश में फैला रहा है, जो कि तथ्यहीन है. ऐसे संगठन के विरोध में सकल जैन समाज आज आक्रोश में है. संपूर्ण भारत के अंदर अनुप मंडल के विरोध में निवेदन हो, प्रदर्शन हो किए जा रहे हैं. यह संगठन के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने 1957 में ही प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी यह संगठन गैर कानूनी रूप से जैन समाज को बदनाम करने का कार्य ये कर रहा है. जैन समाज यह एक अहिंसा में विश्वास रखने वाला समाज है. भगवान महावीर की संतान है और भगवान महावीर ने समाज को जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, ऐसा उपदेश दिया. और इस पे चलने वाला जैन समाज और ऐसे समाज के ऊपर यह गलत आरोप अनुप मंडल द्वारा किया जा रहा है. तो हम लोग माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार से एक निवेदन करेंगे कि इस अनुप मंडल पर जो प्रतिबंधित मंडल है, जिनकी जो पुस्तक है जनहित करनी, यह भी एक प्रतिबंध पुस्तक है, इसको प्रचार रोके. और जो भी इसमें दो आरोपी है, जो भी इनके संगठन के जिम्मेदार लोग हैं, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें. यह मांगनी आज हम लोग अक्कलकुवा तालुका जैन समाज की ओर से कर रहे हैं.